नमस्कार साथियों, आज की ताजा खबर यह है कि 23 मार्च बिहार बंद के बाद अब सोशल मीडिया पर आया बिहार बंद नहीं होगा का ट्रेंड। जाने क्या है पूरा मामला, देंगे हम पूरी जानकारी। लेकिन इससे पहले आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या है खबर। खबर यह है कि यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में बिहार बंद की घोषणा की गई है, जिस पर अब कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। बिहार में यूट्यूबर मनीष कश्यप की फेक न्यूज केस में गिरफ्तारी को लेकर आमने सामने की स्थिति बन गई है। एक तरफ मनीष कश्यप के समर्थकों ने गिरफ्तारी के विरोध में 23 मार्च को बिहार बंद रखने का ऐलान किया है, जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है, तो दूसरी तरफ इसका विरोधी ट्रेंड भी अब सोशल मीडिया पर छा गया है। कई लोगों ने बिहार बंद के जरिए सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। बता दें कि यूट्यूबर मनीष कश्यप को बिहार पुलिस ने झूठी खबर फैलाकर सामाजिक तनाव भड़काने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले की झूठी खबर फैलाई है। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद बिहार में तनाव फैल गया था और कई जगह उनके समर्थकों ने तोड़फाड़ की थी। मनीष कश्यप के समर्थकों का कहना है कि घोटाले में सीबीआई छापे पर हो सकता है बंद, तो अब क्यों नहीं। मनीष के समर्थन में बिहार बंद का आह्वान आरजेपी अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने किया है। आशुतोष ने बुधवार को भी ट्वीट में बंद की अपील की। उन्होंने कहा कि जब 600 करोड़ रुपए का चारा डकार जाने पर सीबीआई छापे लगे तो बिहार बंद हो सकता है, तो बिहार की बेहतरी की आवाज उठाने वाले मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पर बंद क्यों नहीं हो सकता है। बंद विरोधियों की बात करें तो बंद विरोधियों का कहना है कि बंद का विरोध कर रहे लोगों ने इसे सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश बताया है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि 23 मार्च को रमजान का महीना शुरू हो रहा है, बाजारों में चहल पहल रहेगी, ऐसे में उसी दिन बंद कराने की साजिश बिहार में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश लग रही है। कहीं मनीष कश्यप के नाम पर दंगे कराने की तैयारी तो नहीं है। दोस्तों इन्हीं खबर के साथ हम लेंगे इजाजत, लेकिन इससे पहले आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यह जो बंद है यह सही है या गलत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।